देसी सीजनिंग चैनल की तरफ से आप सभी का स्वागत है। आज हम वैलेंटाइंस डे स्पेशल रेड वेलवेट केक बनाएंगे। आज हम बिल्कुल मार्केट जैसा प्रोफेशनल लेवल का केक बिना ओवन का कढ़ाई पर बनाएंगे। इस केक को बनाने के लिए मैंने एक सीक्रेट चीज का यूज किया है जो कि क्लासिक रेड वेलवेट केक में डाला जाता है। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक बिना स्किप किए हुए देखना तो जरूर बनता है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। अगर आपको आज की मेरी रेड वेलवेट केक की रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना वक्त गवाए केक बनाना हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप कढ़ाई या फिर ओवन में केक बना रहे हो तो सबसे पहला स्टेप होता है कढ़ाई या फिर ओवन को प्री हीट करना। जितना टाइम प्री हीट होने में लगेगा उतना ही टाइम में हम केक का बैटर बना लेंगे। तो कढ़ाई को मैंने गैस में चढ़ा दिया है और इसमें मैंने डाल दिया है नमक। इस नमक को मैंने ऑलरेडी कुछ बेकिंग में यूज़ किया है, इसलिए नमक का कलर थोड़ा सा पेल हो गया है। नमक को मैंने फैला दिया। अब इसके ऊपर रख रही हूँ मैं ये स्टील का स्टैंड और कढ़ाई को ढक्कन लगा देंगे और फ्लेम को कर देंगे लो। इसे प्री हीट होने में कम से कम 10 से 15 मिनट का टाइम लगेगा। अब हम केक बनाने के लिए टिन भी तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 8 इंच का केक टिन लिया हुआ है और इसी के मेजरमेंट के हिसाब से मैंने बटर पेपर भी कट करके लिया हुआ है। सबसे पहले टिन को हम तेल से ग्रीस कर लेंगे। अब इसके अंदर बटर पेपर डाल देंगे और बटर पेपर के ऊपर से हमें अगेन ऑयल से ग्रीस कर लेना है। तो हमारा बेकिंग के लिए केक का टिन बिल्कुल तैयार है, इसे साइड में रख देते हैं। एक क्लासिक रेड वेलवेट केक को बनाने में लगता है आमंड मील। तो मैं जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट का बात कर रही थी ना, वो यही है। तो मैंने यहाँ पे 1/4 कप से थोड़ा सा कम क्वांटिटी में आमंड यानी कि बादाम को 1 घंटा गर्म पानी में सोख करके उसका छिलका हटा के उसको धूप में सुखो लिया है। अब इसे हम ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड होने के बाद ध्यान दीजिएगा आपका जो आमंड मील या फिर बादाम का पाउडर है वो पूरा 1/4 कप ही होना चाहिए। अब हम केक बनाने के लिए इसका मिक्सचर तैयार करेंगे। तो एक बोल में मैंने एक स्ट्रेनर रख दिया। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 कप और 1/4 कप मैदा। ये 1/4 कप आमंड मील यानी कि बादाम का पाउडर। यहाँ पे मैंने 3/4 कप यानी कि 3/4 कप चीनी लिया है, इसे हम पीस लेंगे। पीसने के बाद ये 1 कप के बराबर हो जाएगा। तो ये 1 कप पीसी हुई चीनी हमने डाल दिया। इसमें 1 टेबलस्पून कोकोआ पाउडर डाल देंगे, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा यानी कि खाने वाला मीठा सोडा, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। अब एक चम्मच के सहायता से सारे चीजों को हमें इस तरह से मिक्स करते करते छान लेना है। छानने से क्या होगा, एक तो सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो है मिक्स भी हो जाएंगे और इसमें एयरटेशन होगा यानी कि मैदे और बाकी सारे चीज़ों में हवा भर जाएगा जिससे आपके केक जो है बहुत अच्छे से फूलेंगे। तो एयरटेशन होना बहुत ही ज़रूरी है। तो इस तरह से मिक्स करते करते हमें इसे छान लेना है। ये देखिए हमने इसे छान लिया है और अब हम इसमें डालेंगे सारे वेट इंग्रेडिएंट्स। इसमें हम डाल रहे हैं 1/3 कप रिफाइंड ऑयल। फ्लेवर के लिए डाल रहे हैं 1 टीस्पून वनीला एसेंस। अब हम इसमें डालेंगे कुछ ड्रॉप्स रेड फूड कलर के, अगर बाद में ज़रूरत पड़े तो हम और भी इसे ऐड करेंगे। 1 टीस्पून वाइट विनेगर डाल देंगे। यहाँ पे मैंने 1 कप रूम टेम्परेचर वाला दूध लिया है, इसका मैं आधा भी डाल रही हूँ, आधा हम बाद में डालेंगे। तो सबसे पहले इसे मिक्स करेंगे और थोड़ा थोड़ा दूध डालते जाएंगे और बैटर को हमें मिक्स करते जाना है। 1/2 कप दूध जो है इसे मिल गया है और मैं थोड़ा दूध डाल रही हूँ और इसे मिक्स कर रही हूँ। आप एक चीज़ नोटिस करोगे, मैंने ऑलरेडी रेड फूड कलर जो है ऐड किया हुआ था, जैसे ही मैंने इसमें थोड़ा दूध और मिलाया ये थोड़ा सा लाइट हो गया, इसलिए मैं इसमें और थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर रही हूँ। तो आप जैसे जैसे दूध ऐड करते जाओगे इसका जो कलर है थोड़ा सा लाइट होता जाएगा, क्योंकि ये रेड वेलवेट केक है तो कलर थोड़ा सा ब्राइट रेड कलर का ही होना चाहिए। तो मैं इसे मिक्स कर रही हूँ। अभी भी जो बैटर का जो कंसिस्टेंसी है बिल्कुल केक जैसा नहीं हुआ है, इसलिए मैं इसमें और थोड़ा सा दूध डालूंगी और इसे मिक्स करते जाऊंगी। मैं लास्ट में आपको दिखाऊंगी
कि इसका सही कंसिस्टेंसी क्या होना चाहिए। जैसे मैंने मिक्स किया, फिर से जो है बैटर का कलर जो है लाइट हो गया, तो मैं इसमें अगेन कुछ ड्रॉप्स जो है रेड फूड कलर की ऐड कर रही हूँ। आप भी जब कहीं भी रेड वेलवेट केक बनाओ तो मेरे जैसे ही आप फूड कलर बीच बीच में ऐड करते जाइएगा, तो जाके आपका जो केक का जो कलर है बिल्कुल मार्केट जैसा ब्राइट रेड कलर का होगा। ये देखिए कुछ 2 टेबलस्पून के लगभग दूध जो है हमें यूज नहीं हुआ है, इसे हम अलग कर देंगे। केक का बैटर बिल्कुल तैयार है। अब मैं आपको इसका कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ। जैसे आप बैटर को स्पैचुला से लेके ऊपर जो है गिराओगे, आपका बैटर जो है बिल्कुल रिबन की तरह गिरना चाहिए। बैटर जो है बिल्कुल स्मूथ क्रीमी टेक्सचर का होना चाहिए और रिबन कंसिस्टेंसी का होना चाहिए। तो हमारा केक का बैटर जो है बिल्कुल तैयार है। अब ये केक के मोल्ड में हम ये बैटर को ट्रांसफर कर रहे हैं। अब ये केक टिन को कुछ इस तरह से 8-10 बार टैप करेंगे यानी कि टपकाएंगे, तो इसके अंदर का जो एयर बबल्स है वो बाहर निकल जाएगा। आपको अगर ऊपर में थोड़ा थोड़े बबल्स अगर दिखे तो उंगली से इस तरह से आप जो है इसे हटा दीजिए। हमारा केक जो है अब बेक होने के लिए बिल्कुल तैयार है, तो चलिए अब हम इसे बेक करते हैं। लगभग 15 मिनट से हमारा कढ़ाई जो है प्री हीट हो रहा है। इसका ढक्कन हटा देंगे और बहुत ही सावधानी से केक टिन को अंदर डालेंगे। आपने शायद ध्यान दिया होगा कि मेरे कढ़ाई का जो ढक्कन है वो ग्लास का है और ये नॉनस्टिक कढ़ाई का ढक्कन है, तो इसमें जो है बेसिकली होल रहता है। तो मैंने इस होल को जो है पेपर से कवर कर दिया ताकि अंदर का जो हीट है वो बाहर ना निकले। अब हमें केक को लो फ्लेम में 35 से 40 मिनट तक बेक करना होगा। कुछ 35 मिनट तक हमने इसे बेक कर लिया है। ये देखिए केक अच्छे से राइज हुआ है। अब इसे चेक करेंगे। चेक करने के लिए मैं ये टूथपिक जो है इसके अंदर डाल रही हूँ बिल्कुल सेंटर में, और ये देखिए निकालने के बाद बिल्कुल क्लीन होके निकला है, यानी कि केक परफेक्टली बेक हो चुका है। अब केक टिन को बाहर निकालेंगे और इसे रूम टेम्परेचर में कम से कम 3 घंटा तक अच्छी तरह से ठंडा होने देंगे। अब यहाँ पे मैंने एक बोल लिया है, इसमें 1 टेबलस्पून में पिसी हुई चीनी डाल रही हूँ। आप चाहो तो नॉर्मल चीनी भी डाल सकते हो, और इसमें ज़रा सा पानी डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये रहा हमारा शुगर सिरप, इसका हम बाद में यूज़ करेंगे। अब हम हमारे रेड वेलवेट केक के लिए क्रीम का फ्रॉस्टिंग रेडी करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक बोल लिया है, इसमें हम डालेंगे क्रीम चीज़। तो मैंने यहाँ पे ब्रिटानिया ब्रांड का क्रीम चीज़ लिया हुआ है। ये 180 ग्राम्स का है, तो ये पूरा क्रीम चीज़ हम इस बोल में डाल देंगे। अगर आपके पास क्रीम चीज़ नहीं है तो डोंट वरी, आप इसके अल्टरनेट हंग कर्ड यानी कि दही के चक्के का भी यूज़ कर सकते हो। इतना ही क्वांटिटी आपको दही का चक्का लेना होगा। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून पिसी हुई चीनी डालेंगे और इसे एक स्पैचुला की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे मिल्क क्रीम। तो मेरे पास यहाँ पे 2 तरह का मिल्क क्रीम है, एक अमूल फ्रेश क्रीम जो कि नॉर्मली दुकान में इजीली मिल जाता है, ये ब्लू कलर का होता है, आपने ज़रूर इसे देखा होगा, इसका यूज़ भी किया होगा। और मेरे पास यहाँ पे है अमूल व्हिपिंग क्रीम, ये केक बनाने के काम में आता है। ये कुछ इस तरह के रेड कलर के कंटेनर में मिलता है। अगर आपके एरिया में केक बिकता होगा या फिर बेकरीज होंगे तो आपको ये अमूल व्हिपिंग क्रीम या फिर नॉन डेयरी क्रीम जरूर मिलेगा। ये अमूल फ्रेश क्रीम से भी व्हिपिंग क्रीम बनाया जा सकता है, लेकिन वो थोड़ा सा टफ होता है। तो मैं आपको इस केक के लिए अमूल व्हिपिंग क्रीम से जो है फ्रॉस्टिंग रेडी करके दिखाऊंगी। इसके लिए मैंने यहाँ पे एक स्टील का बोल में बहुत सारा बर्फ लिया हुआ है, इसके ऊपर हम ये चीज़ केक वाले बोल को डाल देंगे और इस पर हम डाल रहे हैं अमूल व्हिपिंग क्रीम। तो ये पूरे 250 ml में अमूल व्हिपिंग क्रीम इसमें डाल रही हूँ। अब इलेक्ट्रिक बीटर से हमें इसे बहुत अच्छे से बीट करना होगा। अब आपके माइंड में शायद ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैंने ये नीचे बर्फ वाले बर्तन के ऊपर ये क्रीम का बर्तन को क्यों रखा। अगर आप मेरे बताए गए तरीके से अगर क्रीम को बीट करोगे तो आपका क्रीम जो है बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा। अगर आप गर्मी के सीजन में अगर केक बना रहे हो तो बीच बीच में ये इलेक्ट्रिक ब्लेंडर को ऑफ कीजिए, क्रीम को जो है कुछ 5 मिनट के लिए फ्रिज में रखिए, फिर अगेन इसे बीट कीजिए, क्योंकि टेम्परेचर का सही होना बिल्कुल ज़रूरत है। इसे जितना
ज़्यादा ठंडा मिलेगा क्रीम को, उतना ही क्रीम बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा। ये पिघलना नहीं चाहिए, बस आपको इस चीज़ का ध्यान देना होगा। तो मैं इसे फुल स्पीड में जो है बीट कर रही हूँ। कुछ 15 मिनट तक हमें इसे कंटिन्यूसली बीट करना होगा। ये क्रीम लगभग तैयार है, लेकिन फ्लेवर के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ कुछ 1 टीस्पून के करीब करीब वनीला एसेंस, और इसे कुछ और 2 मिनट के लिए बीट कर लेंगे। ये देखिए हमारा केक के लिए क्रीम बिल्कुल तैयार है। इसे चेक करने का इजी एक टेक्निक है, स्पैचुला से इस तरह से क्रीम को लेके उल्टा करेंगे, ये क्रीम बिल्कुल भी नहीं गिरना चाहिए। अब इस क्रीम का कुछ हिस्सा हम इस पाइपिंग बैग में भी भर देंगे। इसके बाद ये क्रीम को हमें पाइपिंग बैग के साथ 5 मिनट के लिए फ्रिज में ठंडा होने के लिए रखना होगा। तब तक ये थोड़ा बहुत जम भी जाएगा। इस तरह 3 घंटा तक हमने केक को ठंडा कर लिया है। अब एक चाकू से इस साइड को थोड़ा सा हमें लूज कर लेना है। अब एक प्लेट लेंगे, इसे मोल्ड के ऊपर रखेंगे और मोल्ड को हमें उल्टा करके केक को बाहर निकाल लेना है। बटर पेपर को बहुत ही सावधानी से हटा देंगे। तो ये देखिए हमारा बेसिक रेड वेलवेट केक बनके तैयार है, कितना सॉफ्ट है। अब हम इसे असेंबल करेंगे। तो एक बहुत ही शार्प नाइफ से इसका जो केक का जो ऊपर का जो लेयर है इसे हटा देंगे। अब केक को अगेन बीच में से काट के इसका फिर से 2 हिस्सा कर देंगे। यहाँ पे हमने केक का सबसे ऊपर वाला हिस्सा लिया हुआ है। अब ये हार्ट शेप वाला कुकी कटर से हम हार्ट कट करेंगे। अब चाकू से ये हार्ट को 2 हिस्से में काट देंगे, तो 2 पतले पतले हार्ट बन के तैयार हो जाएगा। तब ये दोनों हार्ट को जो है ज्वाइन करने के लिए मैं एक हार्ट को थोड़ा सा कुकी कटर के साइड वाले हिस्से से काट रही हूँ। अब केक का जो ऊपर वाला लेयर से हमने जो हार्ट कट करके अलग किया, उसी हिस्से को हम इस तरह से हाथ से तोड़ तोड़ के छोटे छोटे पीसेस में निकाल लेंगे। अब ये रहा हमारा केक का सबसे पहला वाला हिस्सा, यानी कि नीचे वाला हिस्सा। हमने जो शुगर सिरप बनाया था उससे हल्का सा ब्रश कर देंगे। अब थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में हमारा जो क्रीम है केक का, जो हमने क्रीम रेडी करके फ्रिज में रखा था, उसे इस तरह से फैलाते फैलाते इस हिस्से को अच्छी तरह से कवर कर देना होगा। अब केक का जो सेकेंड वाला लेयर था इसके ऊपर बहुत ही सावधानी से रख के इसे हल्का सा प्रेस करके चिपका देंगे। अब अगेन इसके ऊपर भी शुगर सिरप से हल्का सा ब्रश कर देंगे। अब फिर से केक के ऊपर वाले हिस्से को क्रीम से पूरा अच्छी तरह से कवर कर देंगे। बेसिकली ये केक को असेंबल करने का काम जो है ये टर्न टेबल के ऊपर किया जाता है, लेकिन मैं एक जुगाड़ लगा, छोटा सा जुगाड़, मेरे पास टर्न टेबल था नहीं, तो जो मिक्सिंग बोल में मैंने केक का बैटर रेडी किया था ना, उसी मिक्सिंग बोल के ऊपर प्लेट को रख के मैं इसे इस तरह से घुमाते घुमाते कवर कर रही हूँ। तो आप भी चाहो तो इस टेक्निक का यूज़ कर सकते हो। अब केक का जो बॉर्डर है इसे भी क्रीम से इस तरह से कवर कर देंगे। तो हमारा मेन जो मोटिव है यही रहेगा कि पूरा केक को हमें क्रीम से कवर कर देना है। अब हमने जो केक का जो क्रम जो निकाला था, ये छोटे छोटे पीसेस, उसे हम केक के बॉर्डर में इस तरह से चिपका दे रहे हैं। अब हम केक को स्ट्रॉबेरीज से डेकोरेट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे कुछ स्ट्रॉबेरीज को हाफ करके कट करके लिया हुआ है, तो किनारे का कुछ हिस्सा छोड़ के स्ट्रॉबेरीज से इस तरह से गोल करके हम चिपका देंगे। हमने जो 2 हार्ट्स कट किए थे उसे हम बीच में इस तरह से चिपका देंगे। हमने पाइपिंग बैग में स्टार शेप का नोजल डाल के कुछ क्रीम जो है मैंने फिल किया था, तो साइड में हम कुछ डिजाइंस बना देंगे। अब केक के ऊपर थोड़ा सा ये जो क्रम्स हमने रेडी किया था ना, जो साइड में मैंने चिपकाया है, उसे हल्का हल्का छिड़क देंगे। तो ये रहा हमारा रेड वेलवेट केक जो बिल्कुल तैयार है। आई होप आपको आज की मेरी रेड वेलवेट केक की रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आपका जो भी सजेशन हो इस केक के रिगार्डिंग आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हो। और इसी तरह के नए नए रेसिपीज जानने के लिए हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। तो चलिए बहुत जल्द मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।